2009 में सबसे ज्यादा विरोध जो करा बीजेपी ने किया ईवीएम का, ईवीएम मशीन को जलाया, तोड़ा फोड़ा, रोड पे आए, सबसे ज्यादा विरोध किया। और आज पूरी मजबूती से ईवीएम के डिफेंस में ये पार्टी खड़ी हुई है। जब आप विरोध में थे ईवीएम खराब थी, आज आप सत्ता में हो ईवीएम ठीक है। क्या मतलब है इसका? सीधा मतलब ये कि आप ईवीएम की चोरी कर रहे हो। दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लगातार पूरे देश भर में जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ विरोध जो है वो जारी है, आज दिल्ली में बामन मेसराम जी के नेतृत्व में तमाम लोग जो है जंतर मंतर पर ईवीएम को बैन कराने की मांग को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से? ईवीएम बंद होनी चाहिए, पेपर बैलेट पेपर से वोट होने चाहिए। ईवीएम से बेईमानी होती है और वोटों की चोरी हो रही है, और लोकतंत्र में वोटों की चोरी होना सबसे संगीन जुर्म है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो साफ इनकार कर रहा है कि चुनाव आयोग 50 मशीनें दे देना वकील साहब को, तो पता चल जाएगा, उनके सामने उनकी टेस्टिंग होगी, डेमोन्स्ट्रेशन सामने होगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, पता चल जाएगा। ये तो मशीनें देंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे? चुनाव का वक्त कम रह गया, ऐसे में क्या लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है ये सफल हो पाएगा? ईवीएम बिल्कुल सफल होगा और अगला चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होगा, बिल्कुल हम ऐसा मानते हैं। देश की जो विपक्ष के दल हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पर? क्या लगता है, उनको भी आना चाहिए? उन्हें भी आना चाहिए और कुछ कह भी रहे हैं पीछे से, सभी नेता नहीं है, बड़े बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनकी पार्टियों के कुछ नेता लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आती हैं यूट्यूब पे, काफ़ी कुछ देखा है हमने। तो क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है इसका कितना असर देख रहे हैं चुनाव आयोग? आंदोलन सफल होगा, ईवीएम बंद ही होंगी, और तभी इस देश में पता चलेगा कि लोगों के हिसाब से वोट सरकारें बन रही हैं या मशीनों से चुराई हुई वोट के द्वारा बन रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धांधली तो और गड़बड़ी तो बैलेट पेपर में भी की जा सकती है। हो सकती है, उसमें मैक्सिमम बेईमानी 1% की, 2% की, यहाँ तो 10-20% की बेईमानी है, 20% में तो इधर का इधर हो जाता है। ईवीएम में सुरक्षित वोट नहीं हो रहे, पारदर्शिता नहीं है? पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, बेईमानी कम से कम हो। मैं मानता हूँ कि बैलेट पेपर में भी बेईमानी हो सकती है, लेकिन मिनिमम हो 1%, 1.5%, इससे ज़्यादा नहीं। सरकार जो है पूरी तरह से इसके डिफेंस में पक्ष में नजर आ रही है ईवीएम के। आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सरकार देखे, पब्लिक की बात सुने, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्या कह रहे हैं आप? सरकार अगर इस चीज़ को मानती तो एजुकेश करने की जरूरत नहीं पड़ती ना आपको यहाँ पर, उसके अगेंस्ट ही तो सारे लोग आ रहे हैं ताकि इसको बंद करा जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक ये क्या लगता है चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा? मुझे तो नहीं लगता चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। अच्छा जी, देखिए तो लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष मांग नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, जेके गौतम सर, आज देख रहे हैं जंतर मंतर पर भारी तादाद में लोग जो है इकट्ठा हुए हैं ईवीएम के विरोध में, कितना असर देख रहे हैं आपका? क्या सरकार पर, चुनाव आयोग पर इसका असर पड़ेगा? चुनाव आयोग पे बिल्कुल असर पड़ेगा और सरकार पे भी पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे देश की जनता यहाँ रोड पर आ गई है और इस जो है ये जो आवाज़ है, जो ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन है, पूरी दुनिया इसे देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत की जनता क्या चाहती है। भारत की जनता चाहती है कि देश में जो डेमोक्रेसी है वो बची रहे और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो मजबूत होना चाहिए। जब देश की पब्लिक ये चाहती है कि ईवीएम में उनको भरोसा नहीं है, उनके वोट की चोरी होती है और आए दिन उनके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे वो वोट देती है, रोज़गार पे, स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे और जो महंगाई पे, और वो जब उनके वोट की चोरी हो जाती है तो पब्लिक को ऐसा लगता है, जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके वोटों का हनन हो रहा है और उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल गया है, और ये जो ईवीएम का जो लड़ाई है ये कुछ ना कुछ रूप जो ना जरूर लेके आएगी, लोगों को न्याय जरूर दिलाएगी। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास में जो है वोट नहीं है, वो जो है मुद्दा विहीन हो गया, इसलिए जो है ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए उनकी जो सरकार बनी है उनको केवल 40% को उनको वोट मिला है, 60% उनके खिलाफ वोट डला है। जब 60% उनके खिलाफ वोट डला है तो देश के लोग जो विपक्ष के साथ है,
सरकार के साथ नहीं है, उसको भूल जाना चाहिए। और वो तो चोर लोग हैं, चोर तो यही कहेगा, कोई भी चोर ये नहीं कहेगा मैंने चोरी नहीं की है, चोर हमेशा आदमी यही कहेगा कि उसने चोरी नहीं की है और वो साफ सुथरा है। देखिए जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है, उसको देश से मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसकी तो जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। चुनाव आयोग पहले स्वतंत्र बॉडी होती थी, जब चुनाव आयोग को तीन लोग चुनते थे, तीन लोग का मतलब है एक उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, एक उसमें प्रधानमंत्री होते थे और एक उसमें विपक्ष का लीडर होता था। इन्होंने क्या किया है, अभी अभी पार्लियामेंट में इन्होंने बिल पास किया और उसमें ना एक्ट में बदलाव किया है, अब इन्होंने दो अपने लोगों को कर लिया है, एक उसमें प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री और जो तीसरा विपक्ष है। जब इन्होंने दो वोट से अपना करा लिया तो अपना है ये। आज जो है, आज जो चुनाव आयोग है वो इनका खुद का है, वो जनता का नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है, देश का नहीं है, वो गुलाम है, वो अपनी वो गुलामगिरी निभा रहा है। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब में कल इलेक्शन हुआ है मेयर का, 12 वोट कांग्रेस के उस अधिकारी ने, जिस अधिकारी को चुनाव आयोग ने भेजा था निष्पक्ष काउंटिंग कराने के लिए, 12 वोट कांग्रेस के कैंसिल कर दिए गए, जो कांग्रेस पार्टी 138 साल से देश में मतलब देश में चल रही है उसके लोगों को ये पता नहीं है वोट कैसे डलता है। 12 वोट उसने कैंसिल किया और बीजेपी को 15 मतलब बीजेपी की जो 15 वोट थी उसको वहाँ पे, उसको वहाँ का मेयर बनवा दिया और सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि वो उस पर मतलब कैंसिल का वो कर रहे हैं और वो मामला हाई कोर्ट में चला गया। ये तो सीधा सीधा वह तो बैलेट से हुआ है, जो बैलेट पेपर से, मात्र बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ है और उसमें ईवीएम, मतलब ईवीएम का तो मुद्दा ही छोड़ दिया। तो लोग यही तो कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा तो गड़बड़ी भी तो उसमें भी करी जा सकती है। बात गड़बड़ी कौन करेगा, या तो ईवीएम या तो बैलेट पेपर को उन्होंने कैंसिल कर दिया, अधिकारी कैंसिल कर रहा है। जब बैलेट पेपर को वो कैंसिल कर सकता है तो ईवीएम में तो बहुत बड़ा घपला हो सकता है, ईवीएम में तो बहुत बड़ी ये मतलब छेड़छाड़ी कर सकते हैं। सीधा सीधा कल कैमरे पे पूरी दुनिया ने देखा है कि वो अधिकारी 12 वोटों को कैसे कैंसिल कर रहा है और बीजेपी जो वहाँ पे दूर दूर भी नहीं थी, वहाँ आम आदमी का कैंडिडेट जीतने वाला था मेरे पद का और वहाँ से उसने उसको हरवा दिया। और किसके कहने से हरवाया, चुनाव आयोग के कहने से हरवाया, प्रधानमंत्री के कहने से हरवाया। लोकतंत्र की हत्या कल पंजाब में पूरी दुनिया ने देखी है। तो 2000 जो 24 का इलेक्शन है वो अब वो करीब ही है, तो क्या लगता है कि इतना कम समय जो है बचा हुआ है, इधर आंदोलन चल रहा है, सफल होगा ईवीएम बैन कराने में जो है? चुनाव आयोग के पेट में दर्द हो गया है, चुनाव आयोग के दिमाग खराब हो गया, उसे परेशानी हो रही है। चुनाव आयोग ये कह रहा है, आज चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर हर विधानसभा में ईवीएम को लेके वो प्रदर्शन कर रहा है, वह दिखा रहा है कि जी देखो ईवीएम साफ सुथरा है। इससे पहले कभी भी ईवीएम को इस तरीके से हर विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं नहीं की ईवीएम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग डर गया, उसे मालूम है ईवीएम में चोरी है। आप लोग भ्रांति फैला रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। लोकतंत्र है, चुनाव आयोग नौकर है, प्रधानमंत्री देश का नौकर है, जनता का नौकर है, जनता ने चुना है। प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, जनता के हिसाब से काम करेंगे। हमारा जो चुनाव आयोग है हमने इसलिए चुना है ताकि वो चुनाव जो कराए वो निष्पक्षता से कराए। आज चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय रह रहे हैं, कि ईवीएम का मसला जो देश में जो है वो सीधी सीधी वोट की चोरी कर रहा है और देश से हमारा कमज़ोर हो रहा है। इससे हमारा देश लोकतंत्र कमज़ोर होता है, क्योंकि देश की जो जनता वो परेशान है, उनके वो अपने मुद्दों पर वोट देती है और वो उनके मुद्दों की चोरी हो रही है। जब चोरी हो रही है तो देश की जनता है ये हिसाब लेगी। आज ये आवाज़ आज ये रोड पर है, आज रोड पर है, देश से जवाब मांग रही है और चुनाव आयोग को आके देश पर जवाब देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा, आखिरी सवाल, तो क्या लगता है कि बीजेपी या मोदी जी जो है ईवीएम मशीन की वजह से प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो इतना बहुत अगर इस माहौल में बीजेपी बल इस माहौल में प्रधानमंत्री शांत रहे, चुनाव आयोग शांत रहे, पूरी बीजेपी देखिए 2009 में सबसे ज़्यादा विरोध जो करा बीजेपी ने किया ईवीएम का, ईवीएम मशीन को जलाया, तोड़ा फोड़ा, रोड पे आए, सबसे ज़्यादा विरोध किया। और आज पूरी मजबूती से ईवीएम के डिफेंस में ये पार्टी खड़ी हुई है। जब आप विरोध में थे ईवीएम खराब थी, आज आप सत्ता में हो ईवीएम ठीक है, क्या मतलब है इसका? सीधा मतलब है कि आप ईवीएम की चोरी कर रहे हो, ईवीएम में आपने हेराफेरी की है, आप मजबूती से ईवीएम के साथ खड़े हुए हो।